Elijah. मैं जरूर ये अपने लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि पिछले दो जो इंडियन स्टूडेंट्स पार्लियामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे उनमें राहुल ने मुझे बुलाने की सख्त कोशिश की, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात के बुनियाद पे मैं यहाँ आ नहीं पाया। आज आखिरकार मैं अपने आप को आप सबके दरमियान पाता हूँ और इसके लिए अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब हम जैसे लोग, जो मुल्क के एक दूर दराज कोने में रहने वाले लोग हैं, हमें इस तरह मुल्क के बाकी कोनों से आए हुए बच्चों स्टूडेंट्स को इस तरह आपसे रूबरू होने का जो है मौका हासिल होता है। सियासत, उससे नफरत ना करें, उसमें शामिल हो जाइए, यही आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो हमें दिया गया है। और सियासत से नफरत करना बहुत आसान है। आज रविशंकर प्रसाद जी या मेरे लिए यहाँ पे आना, इस चीज़ को जानते हुए कि मुल्क में सियासतदानों से ज़्यादा लोग और किसी से नफरत नहीं करते, शायद इतना आसान नहीं होता है। हम यहाँ जब खड़े हो जाते हैं तो कुछ हद तक हमारे घुटने जो हैं हिलते हैं कि पता नहीं यहाँ से जो है, इस तरफ से रिस्पॉन्स जो है हमें क्या मिलने जा रहा है, क्योंकि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों में आज सबसे ज़्यादा जो है सियासतदानों को नफरत की नज़र से देखा जाता है और उनसे नफरत किया जाता है। ये सही है कि बीच में एक ऐसी हवा चली और लोगों ने कहना शुरू किया मेरा नेता चोर है। इस चीज़ को जानते हुए कि शायद हर नेता चोर नहीं है, लेकिन एक ही ब्रश से जो है सब पे रंग लगा और कहा गया कि हर नेता जो है वो चोर है। बदकिस्मती से हर पेशे में गलत लोग शामिल हो जाते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे स्पोर्ट हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पॉलिटिक्स हो, जिस भी पेशे को आप देखें उसमें गलत लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन सियासत में से गलत लोगों को निकालना शायद सबसे ज़्यादा आसान है बाकी पेशों के मुकाबले। आज के दिन में आपसे अगर मैं पूछूं कि आप किसी गलत बिजनेस करने वाले आदमी को उस बिजनेस से निकाल सकते हो या नहीं, आपका जवाब नहीं होगा। अगर आप किसी खेल या किसी खिलाड़ी को गलत करते हुए पाते हो, क्या आप उस खेल से उस खिलाड़ी को अलग कर सकते हो? शायद नहीं। लेकिन सियासत में किसी सियासतदान को गलत करते हो अगर आप पाते हो तो उनको निकालना मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा वक्त लगेगा। और वक्त इसलिए कि आपको अगले इलेक्शन के लिए इंतज़ार करना होगा, अगले इलेक्शन में अपने वोट का इस्तेमाल करना होगा, अपने अकल को इस्तेमाल करके, सही तरीके से वोट का इस्तेमाल करके आप उस सियासतदान से जो है छुट्टी हासिल कर सकते हो। तो सियासतदानों से नफरत मत करिए, गलत सियासतदानों पर नज़र रखिए और फिर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए, उनकी छुट्टी करिए और उनको यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। क्योंकि सही कहा एक अमरीकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने कहा कि 90% ऑफ पॉलिटिशियंस अर्न अ बैड नेम फॉर द अदर 10%। शायद अब मैं ये कह नहीं सकता हूँ कि क्या 90% सियासतदान जो हैं गलत हैं और सिर्फ 10 ही सही हैं, लेकिन वो मैं आप पे छोड़ता हूँ, वो फैसला आपको करना होगा।